श्रीयाद्वैत गदाधर सिंह सभी गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्रील गुरु जी की अनुमति में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर आए हैं इस स्थान का नाम गुलाल कुंड है। ये जो गुलाल इसे होली केवल हम नवद्वीप में उड़ीसा में दूसरे दूसरे देश में होली हम एक दिन ही खेलते हैं, लेकिन अभी भी ये ब्रज में होली करके तीन चार महीना ये ब्रज में होली खेलते हैं। श्री कवि कर्णपुर बताए ये जो होली खेल गोलोक वृंदावन में वो नित्य है, रोज वहाँ होली खेलते हैं। इसलिए यही होली राधा कुंड में जब कृष्ण बलराम तो उनका सखियान जब ये होली खेल रही थी वो होली खेलते समय ये शंख चूर्ण ने ये गोपियों को खा गए, जहाँ पर कृष्ण आकर के वो शंख चूर्ण को भगवान ने बद दिया वो होली खेलता समय था। इसलिए यदि ये होली खेल ब्रज में नित्य ये होली खेल है। अभी प्रश्न है ये होली क्या होता है, जैसे हम गुलाल लाए एक दूसरे को फेंक के और खुद आनंद लिया, क्या यही होली है? क्या नहीं, ये जो होली है होली ये गुलाल का रंग कभी ये अनुराग का रंग है। इसलिए गोपियां कृष्ण के ऊपर में और कृष्ण ब्रज गोपियों के ऊपर में ये जो गुलाल रंग फेंकते हैं वो गुलाल रंग नहीं फेंकना, ये गुलाल रंग ये अनुराग का प्रतीक है। इसलिए एक दूसरों को अपना अनुराग रंग में एक दूसरों को डुबाना मतलब ही यही होली है। इसलिए हम लोग ये कलर जो पहने, इसलिए राधा रानी जब लहंगा नील रंग की लहंगा पहनती है तो राधा रानी का चुनरी का रंग क्या है, तो राधा रानी का चुनरी का रंग ये गुलाल रंग है। इसलिए मतलब राधा रानी अपना शरीर को कृष्ण का अनुराग रंग से अपना शरीर को ढका है। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद और हमारे परंपरा में हम लोग जो ये जो गौरी के वस्त्र को धारण करते हैं, वह क्यों धारण करते हैं? कभी कभी बाबा जी लोग कभी कभी हमारे गौरी मठ वाला को कटाक्ष करते हैं, कभी ये प्रभुपाद ने ये लाल कपड़ा कहाँ से लिया? गोस्वामी लोग तो ये सबके सब सफेद कपड़े में थे, और ये गौड़ी बात प्रभुपाद बताएंगे ये लाल कपड़े कहाँ से ले आए, ये सबका लाल लाल रंग दे दिया, हम लोग ने कटाक्ष करते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी एक ग्रंथ निकाले श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, जो ग्रंथ का नाम प्रबंध पंचकम, ये प्रबंध पंचकम में एक उसमें आर्टिकल है बाबा जी लोग जो कटाक्ष किया हमारे गुरुदेव ने, बहुत उदाहरणों उन्होंने दिया है ये गौरी के वस्त्र हम क्यों धारण करते हैं, क्या रहस्य है ये वस्त्र को किसने किसने धारण किया। जब जितने हमारे वैष्णव आचार्य रामानु मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क ब्रह्माचार्य और श्रीमान महाप्रभु हमारा संप्रदाय का मूल प्रवर्तक है, इसलिए महाप्रभु का रंग कौन सा रंग है? महाप्रभु ने ये गौरी के रंग को महाप्रभु ने धारण किया है, इसलिए हम लोग से महाप्रभु को धारा में हम लोग, इसलिए महाप्रभु का समय पर महाप्रभु के साथ में नौ सन्यासी थे, जो नौ सन्यासी ये गौरी के वस्त्र धारण करते थे। इसलिए हमारे महाराज जी सबका एक एक महाराज ने नाम दिया, किसने किसने कौन कौन से सन्यासी महाप्रभु का समय पर ये गौरी के वस्त्र धारण किया था। इसलिए गौरी के वस्त्र धारण मतलब राधा रानी के अनुराग रंग से हम अपना को रंगना चाहते हैं। इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञा श्रील केशव गोस्वामी महाराज उन लोगों ने बोले जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, हमारे संस्कृत में कौन सफेद कपड़ा पहनते हैं? जब कोई विधवा हो जाती है, जब पति मर जाए विधवा बन जाए तभी कोई सफेद कपड़ा पहनते हैं, जो सफवा है तो कौन सा रंग की कपड़ा पहनते हैं? वो सबके साथ ला जो हमारे देश में जो सधवा है लाल नील हलू गोपिया राधा रानी
समाज में अभी भी हमारे बंगाल में उड़ीसा उधर उधर जब कोई विधवा हो जाती है वो मेरे सफेद कपड़ा पहनती है, लेकिन हमारे ब्रज में देखना भले ही यहाँ कोई विधवा हो जाए कोई सफेद कपड़ा नहीं पहनते स्त्रियाँ, बल्कि यदि ब्रज का जो भाग ही अलग भाग है ये लोग तो जानते हैं, हम तो ऊपर से केवल संसार के लिए हमने एक पति धारण किया है, लेकिन हमारा असली पति कौन है, कृष्ण हमारे ये असली पति है, इसलिए ब्रज के कोई भी स्त्रियां कभी विधवा होने का बात कोई भी सफेद कपड़ा कोई नहीं धारण करते, कृष्ण को अपना नित्य पति ये लोग मानते हैं। इसलिए यदि गुलाल का रंग खेलने का विशेष क्या रहस्य है, अभी हम भजन गा रहे थे हम उड़े तो गुलाल लाल भय बाद, जब गुलाल अभी फेंक रहे थे ना, जब गुलाल रंग को फेंकते हैं आकाश एकदम भर जाता है, कोई किसी को देख नहीं पाते, कौन कहां पर खड़े हुए नहीं है, कोई किसी का देखते नहीं, इसलिए अभी कृष्ण एक तरफ में और ग्वाल वाल एक तरफ में, दूसरे तरफ में राधा रानी और उनकी सखियां दूसरे तरफ में, जब होली खेलते खेलते ऐसे उड़े तो गुलाल लाल भय बादल, जब आकाश पूरा लाल लाल रंग हो जाता है, अभी कोई किसी को देख नहीं पाते, जब देख नहीं पाते कृष्ण लाभ निकाले थे, तो कृष्ण क्या करते हैं बता नहीं, वो गुलाल आकाश लाल लाल रंग होने पर कब अंदर में जा करके राधा रानी को साथ में कब श्याम सुंदर मिल करके फिर कब अंदर अंदर किसी को पता नहीं चल रहा है कौन कब राधा रानी से मिल करके छठ कृष्ण फिर सखाओं को साथ में आ जाते हैं, इसलिए कभी ये गुलाल रंग की ये विशेष महत्व है, और कभी जब आकाश में गुलाल रंग फैलते फैलते हैं कभी भ्रमर पेड़ लता लताएं सबके सब गुलाल रंग से सबके सब भर जाता है, इसलिए ये कुंड का नाम गुलाल कुंड है, तद ये कुंड में अभी भी तद ब्रज गोपियां गुलाल खेलने का बाद होली खेलने का बाद तद ये कुंड में ये स्नान किया करती थी, पर अभी भी जब कोई हमारे देश में जब वो गोत होली खेलते हैं तद पानी स्वतः है, यहाँ पानी में एक दिन यहाँ पर गुलाल रंग अपने आप ये पानी एकदम लाल लाल रंग हो जाता है, ये जो स्थान है यदि गांव का नाम कांठोली आस पास में बहुत लीला हुई है, गांठोली मतलब होता है कांठ बांधना, कभी कभी कृष्ण और ललिता कभी कभी बैठे हुए होते हैं, सखियां आपस आपस में इशारा करके पीछे से कोई गोपी जा करके कृष्ण के कपड़े के साथ में ललिता के कपड़े को कांठ बांध देते हैं, इधर गोपियां हंसते रहती है, अभी देखते भैया कोई कारण है तो अगर हंस रहे हैं क्यों, ललिता जो उठ करके जाना चाहती है वो तो अच्छे तरह से कांठ बांध के रखती है फिर जा नहीं पाती है, फिर और यहाँ पर दीव और अधिक यहाँ पर ज्यादा का नाम है, दीघ मतलब होता है हम बोले दीघ खाना, हम देखते ना दीघ खा गया, दीघ हकना एक दीघ खाना और दीघ हकना, दीघ मतलब होता है बहादुरी करना, हाँ तो बड़े दीघ यहाँ कर रहे हो बड़े बहादुरी कर रहे हो, हाँ इसलिए और दीघ दीघ मतलब जहाँ पर राधा रानी का मान, जहाँ पर दीघ दीघ मतलब होता है जहाँ पर मान जहाँ पर तोड़ दिया श्याम सुंदर ने, अटीघ अटीघ मतलब जहाँ पर राधा रानी ऐसे जोर जबरदस्ती मान की श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर बड़ी कोशिश किए राधा रानी के मान को मनाने के लिए, लेकिन उनको मान किसी तरह से मना नहीं पा रहे हैं, इसलिए जहाँ सिर्फ ना पड़े अड्डी मतलब जहाँ पर राधा रानी का जहाँ पर मान नहीं उतरा, ये पास में बेहज बेहज मतलब होता है बेहया, बेहया मतलब जब ब्रह्मा जी कृष्ण इंद्र ने संपूर्ण ब्रज को कृष्ण इंद्र पूजा बंद करने कराने पर इंद्र संपूर्ण गोकुल को ध्वंस करने के लिए चाहा, और 7 दिन तक शिला वृष्टि वज्रपात और तरह तरह के जितना सारे उसने अपना ताकत लगा दिया, और कृष्ण ने क्या किया कनिष्ठ मूल पर ये गिरिराज गोवर्धन को उसने धारण किया, जब 7 दिन हो गया इंद्र सोचा कि संपूर्ण ब्रज सत्यानाश हो गया, एक दूत को भेजा देख कर क्या हो रहा है, एक दूत आया तो बोले ऊपर ऊपर देख करके चला गया, बोले महाराज ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं रहे सब के सब ध्वंस हो गए, बोले और एक दूत को भेजा दूत देख कर कहा ये तो बोले ऊपर ऊपर देख कर गया था, एक दूत नीचे आया नीचे आकर के बोले दूर उड़ रहा है, और सबके सब कृष्ण को मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए
कृष्ण विशाल गिरिराज भगवत मन को धारण करके रखे। सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, कीर्तन कीर्तन चल रहा है और धूल उड़ रहा है और एक चिट्ठी तक नहीं पड़ा। वो दूत जब जा करके गया इंद्र के पास में बताने के लिए, इंद्र ने कहा क्या ब्रज की सत्यानाश हो गया कि नहीं? वो ब्रज का क्या सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। इसका मतलब क्या? वे तो साधारण जिसको बच्चा समझ रहा था वो विशाल गिरिराज भगवत धन उठा करके धारण करके रखा और सारे ब्रजवासी उसके नीचे सत्य सब आनंद ले रहे हैं। ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, ब्रज में तो जय जयकार हो रहा है। अरे इंद्र घबराए, घबरा करके अपना अमरावती में विश्राम करने के लिए गया जहाँ विश्राम करता है, लेकिन इंद्र को नींद नहीं आई चैन से। फिर उन्होंने अपना गुरुदेव बृहस्पति के पास में गए, फिर गुरुदेव हमने सर्वनाश कर दिया, कृष्ण को तो साधारण बालक समझ रहा था, वो तो साक्षात भगवान है, आप मेरे को बचाओ। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास में चलो। ब्रह्मा जी के पास में जा करके बताए, ब्रह्मा जी ने कहा सर्वनाश कर दिया, मैं भी कुछ दिन पहले इतने बुरे तरह से फंस गया था। बोले आज भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कृष्ण का साधारण बालक समझ करके बच्चे और सखा को मैंने चुराया, लेकिन बाद में पता चला ये कौन है? बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए जहाँ पर इंद्र ने बेहज मतलब बहिरा बन करके निर्लज बन करके जहाँ पर आकर उन्होंने कृष्ण को उन्होंने स्तुतिस्त हो गया, इसलिए आस पास में बहुत बहुत लीला करी। यहाँ कण कण में भगवान अपना मधुर मधुर लीला किया, इसलिए गुरु जी की अनुगत्य भी हम यहाँ पर आए, यहाँ पर फूल लगाए और यहाँ के प्रणाम करते हुए हम चले। पर